अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये इंटरव्यू का पैटर्न होगा जो मैं बच्चे से डिस्क्रिप्शन पूछूंगा, हम सारे बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर हम चुना हुआ चंद बच्चों का मतलब एडिटेड नहीं होगा इंशाल्लाह। ये प्योरली जो होगा वो होगा, ठीक है। सिर्फ एडिटेड मतलब इस तरह हो सकता है कि एक बच्चे के पोर्शन में से कुछ उठा लिया जाए, दूसरे बच्चे के पोर्शन में से कुछ उठा लिया जाए और सारे का सारा मिक्सर करके इंशाल्लाह हम वीडियो अपलोड करेंगे। और हमारे ये वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जो बच्चे घरों में बैठे वीडियोस के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली करके अपने रजिस्टर पर नोट करते जाएं कि क्या क्या हमें रेडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं बार बार बोल दूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी यही राय रखता हूँ और अदर स्टूडेंट्स के बारे में भी यही राय रखता हूँ। जिस बच्चे को सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आता है और बच्चा बोलने में ब्लंट है, सही वाजे क्लियर बोलता है, ठीक है, और मतलब डरता नहीं, हेजिटेट नहीं करता, सच बोलता है खुल के, ऐसा बच्चा इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेगा। जो बच्चा सिलेबस में वीक है उसके बारे में मेरी राय बहुत वीक है कि वो मतलब बच्चा सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है कि बच्चे को सिलेबस नहीं आता। यू हैव चांस टू प्रिपेयर योर सेल्फ, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, आप सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करें। अब सिलेबस में क्या क्या करना है, बच्चे बार 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 मुझे पूछ रहे हैं, ठीक है, वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पे कमेंट्स आते हैं, तो इंशाल्लाह मैक्सिमम पोर्शन आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और होपफुली कंप्लीट सिलेबस जो कुछ भी पूछा जाता है वो मैं आज बच्चे से पूछूंगा, तो आप उसके ऊपर अपना प्रिपरेशन करेंगे। बच्चों को आएगा भी नहीं भी आएगा तो कुछ हाइड करने वाला मेरे लिए, मेरे इसलिए ऐसा नहीं कि मैं हाइड कर लूंगा जी बच्चे को नहीं आया, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर बीच में वीडियो में भी जाएगा कि बच्चे को ये नहीं आया, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज हमारे लिए करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब मैं इंट्रोडक्शन यहाँ वीडियो में एक ही बच्चे का डाल दूंगा, आपने फिर अपना तैयार रखना है कि बच्चे का इंट्रोडक्शन जो है वो तैयार करवाना है हमने और किस पैटर्न से करवाना है, ठीक है, वो पैटर्न आपके लिए लाजमी तौर पर फॉलो करना है जी। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। My name is Muhammad Shahriya Irfan. My father name is Muhammad Irfan Khan. His qualification is MBA and now he is running a pharmacy, business of pharmacy. My mother's qualification is Master's in Economics and now she is a assistant professor in Karukuruni College for Girls in Sargodha. I have two siblings. My eldest brother in 10th class in Sami Kalta Vista High School. My elder sister in 8th class in Sami Kalta Vista High School. And I am in 7th class in same school. अच्छा, यहाँ पे ये चीज आपने नोटिस रखनी है कि बड़े बहन भाई और छोटे बहन भाई उनको अकॉर्डिंगली सबसे पहले कवर करना है। आपकी जो टर्न है वो बाद में एंड भी अपनी डिस्क्राइब करें। आई एम स्टडिंग इन, और बच्चे बीच में वीडियो में अक्सर वो मैंने देखा बच्चे कहते हैं आई एम रीडिंग इन। रीडिंग होता है पर्टिकुलर आपके पास कोई बुक पड़ी आप उसको रीड कर रहे हैं, आप कहें आई एम स्टडिंग इन क्लास 7 क्लास 8 इन, आगे स्कूल का नेम ले लें जो भी आपके स्कूल का पर्टिकुलर नेम होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताएं डिफाइन फोर साइड ऑफ पाकिस्तान। इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान देयर इज इंडिया, इन साउथ ऑफ पाकिस्तान देयर इज अरेबियन सी, इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान देयर इज चाइना, इन वेस्ट ऑफ पाकिस्तान देयर इज ईरान, इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान देयर इज अफगानिस्तान। अच्छा, टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 22 लाख। दोबारा ना पूछना पड़े कि बच्चे आपने क्या बोला ये, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन से राणा तनवीर। और फॉरेन मिनिस्टर कौन है? फॉरेन मिनिस्टर बिलावर जरदारी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राणा लियाकत। आपके फादर का नेम क्या है? मोहम्मद इरफान खान। इरफान का मतलब क्या है? यहाँ भी मैं ये चीज ऐड कर दूं कि आपको अपने बहन भाइयों के सारों के नेम्स का मतलब आना बहुत जरूरी है, ठीक है, वालदेन के नेम्स का मतलब आना बहुत जरूरी है, इवन ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स उनके नाम के मतलब आना मीनिंग आना बहुत जरूरी है, ठीक है, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। अभी बच्चे को मैंने हालांकि सिखाया होता क्लास में, बच्चा कंफ्यूज होके शायद भूल गया,
तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बार 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 रिहर्सल करवाएं बच्चों को, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप बताएं कि सिलेबस आता है आपको, उससे पहले हम आते हैं हॉबी की तरफ। आपकी हॉबीज क्या है? रीडिंग व्हाट? रीडिंग नॉवेल्स। नॉवेल्स, कौन कौन से नॉवेल पढ़े हैं आपने? द ग्रेट एक्लेम, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, द ग्रेट सिंड्रेला। आपको इन सब में से कौन सी ज्यादा पसंद है? अगली डकलिंग। उसके अंदर स्टोरी क्या है? यानी कि जो आप अगर बुक रीडिंग कह रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी हॉबी है, तो इसके अंदर अब बच्चों ने अगर पढ़ी है तो जो पर्टिकुलर बुक्स आपने पढ़ी हुई है उनके थीसिस का अंदर से यानी कि अंदर है क्या, थीम्स का पता होना चाहिए कि अंदर एक्चुअल में हैपनिंग ये है, सारी स्टोरी का पता होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा सिर्फ कह दे कि मैं चंद नाम रट लूंगा, पोइट के नाम रट लूंगा, राइटर के नाम रट लूंगा तो मैं निकल जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। आपको एक्चुअल में इंटरव्यूअर क्यों पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि ये चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, आपको इन फ्यूचर ये चीजें बहुत हेल्प आउट करती हैं, बुक्स रीडिंग, ठीक है। ये तो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी हॉबी है जी। आप अपनी हॉबी के बारे में बता रहे थे। जी बताएं। बुक के बारे में। हाँ, बुक के बारे में। अगली डेफिनेशन। सर, इसमें एक मुर्गी होती है, उसके पांच बच्चे होते हैं, पांच अंडे होते हैं, और सारे अंडों से वो अच्छे से निकल रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा होता है वो गंदा होता है, उसको लोग ताने मारते हैं। ठीक है, यू नो अबाउट द स्टोरी, ठीक है, स्टोरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप आपका आ गया कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आप जानते हैं? अभी किस कंट्री में हो रहा है? इसमें टोटल टीमें कितनी हैं? 32। अच्छा, कि पाकिस्तान की टीम शामिल है इसमें? क्यों? पाकिस्तान खेलती नहीं फुटबॉल। अच्छा, है जी, लेकिन इंटरनेशनली अभी इतनी वेलप नहीं है, अच्छी नहीं है कि उसको फीफा वर्ल्ड कप के अंदर इंक्लूड किया जाता है। दूसरा आप ये बताएंगे आप स्पोर्ट्स कौन सी करते हैं? क्रिकेट में क्या है, बॉलर हैं, बैट्समैन हैं? बैट्समैन। आपका कोई फेवरेट बैट्समैन हो? बाबर आजम है, ठीक है। उसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई टू डिवाइडेड बाय 2 4, ठीक है। अच्छा, एक प्लेन उड़ रहा है 240 की स्पीड से, 240 किलोमीटर पर आवर, 16 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 64 किलोमीटर। शाबाश। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपको फादर या मदर में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है? मदर। मदर क्यों? सब गेमिंग बहुत सारी ज्यादा टाइम सब मम्मा सब ज्यादा ज्यादातर। अच्छा, नहीं तो फादर भी तो देखे ना, आपके लिए कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, बड़ा उनके सारी लाइफ टफ हो जाती है पेरेंट्स की, ठीक है, स्पेशली वाले गुस्सा अक्सर कर लेते हैं। गुस्सा किस बात पे? कोई काम जो कोई जगह पे ना हो सर, गुस्सा बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मम्मा समझा देती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपको एजुकेशन में, स्टडी में ज्यादा सपोर्ट कौन करता है घर में? मम्मा सपोर्ट करती हैं। अच्छा, आपके फादर के बिजनेस क्या है? फार्मेसी में क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है या वैसे एक शॉप के तौर पे? शॉप के तौर पे। कितनी अर्निंग हो जाती है टोटल फादर की और मदर की, दोनों बताएं? सर मंथली। हां मंथली। सर फादर की होती है सर जी मंथली, सर जी जो दिन में सेल होती है वो तकरीबन 25,000 होती है। ठीक है सर। यानी कि सेविंग मंथ के अंत में सेविंग मतलब जो बच जाती है? तो सेविंग करते हैं बाबा, इन्वेस्ट ही करते रहते साथ। अच्छा, इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। और मदर की पे? मदर की सर 1 लाख। 1 लाख। और स्केल क्या उनका? उनका 18। कब से सर कर? सर 20 साल हो गए। 20 साल हो चुके हैं सर करते हुए, ठीक है। तो रिटायरमेंट उनकी कब है? 18-20 साल बाद। अभी मजीद 18 से 20 साल और सर करेंगे? 10-12। ठीक है, 10 ऊपर अगर कौन है, ठीक है। अच्छा, मदर का स्केल आपने क्या बोला है? 18 स्केल है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताएं आपकी हॉबी क्या है? तो सिंगिंग। सिंगिंग जी, गाना गा सकते हैं आप? यस सर। गाएंगे।
भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रसमन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। ठीक है, गुड। हाँ अच्छा, ये हॉबी के बारे में याद रखना है कि जो भी आपकी हॉबी है उसके अंदर आपको ब्लंटली ओपनली जो भी है खुल के बोलना है, ठीक है। आपकी हॉबी अच्छा बड़ा मैटर करती है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि आप जो कॉन्फिडेंस अपना असल में शो करते हैं वो आपकी हॉबी से ही शो होता है, क्या आपकी हॉबी आपका इंटरेस्ट है क्या, ठीक है। अब जैसे बच्चे ने दो हॉबीज बताई थी, एक बुक रीडिंग दूसरी सिंगिंग, तो दोनों के अंदर भी डिस्क्रिप्शन फुल आनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने नाम ले लिया है तो बस ठीक है जी चल जाएगा,